मेरे साथ एक साहब खड़े हैं, वो कहते हैं मेरा दारू करवा। And I have no words to introduce him. People know him as W, and we know him as Waqar Younis. He is pride of Pakistan. He's our hero. We love to see him running. There are very few fast bowlers in the world jinka action log copy karte hain. Not their achievements only, but the way they would run in the cricket ground, the people's heart would run with that. And it was equally true for the men and women. So he was the darling of all the people who were watching cricket, who were everywhere in the world, not only in Pakistan, but all over the world. Over to him, sir. तारीफ कुछ ज़्यादा ही हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर इनविटेशन का। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप सच पूछेंगे मुझसे तो मैं ये एक्सपेक्टिंग कर रहा था, और मैं भी जब दरवाजे से अंदर आया तो मेरे मुंह से एक ही लफ्ज निकला, वाह, बिकॉज ये वॉ फैक्टर जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आई हैव नॉट सीन इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी जो सर ने बोला है कि यू नो आई एम द हीरो एंड आई हैव डन दिस एंड दैट व्हाटएवर, आई थिंक मोर देन मी, आई थिंक हमारा लोग जिस प्रॉब्लम से, जिस टाइम जोन से गुजर रहा है, आई थिंक उसमें हम हीरो, तो हम तो ऑन फील्ड हीरो हैं। जो आपकी फील्ड है, जो आई थिंक जो आप कर रहे हैं, वो हम कभी सोच भी नहीं कर सकते। जो आप जिस तरीके से आप खिदमत कर रहे हैं इस कौम की, और इस स्कूल को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमने नहीं किया। हमने तो चार कदम भागा, बॉल कर दिया, एक विकेट गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो एंटरटेनमेंट। लेकिन जो आप लोग कर रहे हो, जो आप जो हीरोइज्म आप लोग से जो करते हैं, आई थिंक इसका कोई जवाब नहीं है। एंड आई थिंक यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, आपसे आपको प्रेज भी करना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने अभी जो हालिया सीरीज हुई है, यू नो कोई नहीं आना चाहता था इस मुल्क में, यू नो वो आए और उन्होंने यहाँ भी आए, मुझे पता चला है, उन्होंने देखा है, दे फेल्ट वेरी कम्फर्टेबल। जितने लोगों से बात की है, दे फेल्ट वेरी यू नो एट ईज एंड कम्फर्टेबल है। और दूसरा, उन्होंने जितना सोशल मीडिया पर हमारे मुल्क को दोबारा एक दूसरी शक्ल दिखाई है, जो एक्चुअली हम हैं, जो पीसफुल कंट्री हम हैं, जो वो शक्ल दिखाई है, आई थिंक दैट विल टेक अस लॉन्ग वे एंड दैट विल यू नो टेक यू गाइस लॉन्ग वे। कीप डूइंग गाइस, कीप डूइंग एंड आई थिंक एंड आई फील दैट इफ वी वर्क टुगेदर होगा तो इंशाल्लाह करेंगे। प्लस हम लोग यू नो वी आर वेरी टैलेंटेड नेशन। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि क्रिकेट में टैलेंट है, फलाने में टैलेंट है। नो, आई फील दैट यू नो मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ साल रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है, वहाँ के लोकल्स का भी, प्लस पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं। तो आई प्रॉमिस यू, जो पाकिस्तानी वहाँ हैं और जो वो कर रहे हैं, जितनी अचीवमेंट उनकी है, यू डोंट बिलीव इट, दे आर जस्ट अप देयर, राइट अप देयर, यू नो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑल ऑफ देम। और मैं जब भी उनको मिलता हूँ, मेरी उनसे एक ही गुजारिश होती है कि लेट्स गो बैक होम, लेट्स गो बैक होम, दिस इज होम। एंड जो आप लोग वंस अगेन थैंक यू, जो आप लोग कर रहे हो प्लीज कीप डूइंग दैट। अभी हमें बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा सफर है, इंशाल्लाह जैसे कि अगर हम मिल के चलेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें बकौल लोगों के हमारे, हमें तो कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं सड़क पर पैदल भी चल सकता, मुझे कभी भी नहीं अनसेफ हुआ। लेकिन जो लोग थोड़े से भी इस डाउट में है कि ये सेफ जगह नहीं है, उनके लिए हमें मिल के काम करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह वी विल गेट देयर वेयर वी वांट टू। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर।